और चलिए खबरों में बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे ने यात्रा से जुड़े प्रत्येक पहलू को देखा है। यात्रा और बेहतर बनाए जाने हेतु उनसे सुझाव भी लिए गए हैं। साथ ही पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराने में सहयोग की अपील भी की गई है, ताकि देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बाजार में घूम रहे पशुओं के लिए भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, और साथ ही मुख्य बाजार में राहगीरों श्रद्धालुओं के लिए पानी प्रतीक्षा हेतु प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। आज जो है आगामी केदारनाथ यात्रा के दृष्टि से हमने व्यापार यूनियन, टैक्सी यूनियन और जो बस विभाग है उनसे, परिवहन जो है इनसे वार्ता की है। इसमें हमने काफ़ी विषयों पर चर्चा की है, जिसमें पार्किंग, ट्रैफिक, रोड व्यवस्था, बेलनी ब्रिज की मरम्मत, उसके साथ ही जो है होटल व्यवसाय, इनसे भी बात की है। इसमें से काफ़ी सारे सुझाव हमारे पास आए हैं, जिसमें हम पार्किंग के लिए नए पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ट्रैफिक के लिए हम कुछ पॉइंट्स जो है और बॉर्डर लाइन जो है वो आइडेंटिफाई करके उसमें हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी। बैरियर्स कहाँ पर लगेंगे और यात्रा का रूट क्या रहेगा, कैसी यात्रा व्यवस्था रहेगी, विषयों पर जो है चर्चा की गई है। काफ़ी सारे सुझाव भी आए हैं, जिसको जो हम विविध जो विभाग है उनसे भी डिस्कस करके, कोऑर्डिनेशन करके इसमें जो है सुविधाएँ जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ये सारी